हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ टॉप 20 जीके क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि अब हमारी पिछले कई हफ्तों से चल रही है, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है टॉप 20 जीके क्वेश्चन। तो आज मैं आपको IQ टेस्ट के तौर पर एक टेस्ट कराने वाला हूँ, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन मैं दूंगा, उनमें से आपको कम से कम 15 से अधिक क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, जिसकी वजह से मुझे पता चल पाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू कर लेते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि माउंट आबू जो है वो एक पर्वतीय स्थल है, आपको पता ही होगा, तो वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 3 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सेकंड नंबर बोला गया है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जब थी तो उसके बंदरगाह का क्या नाम था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, थर्ड नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, कौन सी भारतीय झील लैगून झील के नाम से प्रसिद्ध है। आपके यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी भारतीय झील है जिसे लैगून झील बोला जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर फोर्थ नंबर में, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वेद है जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि वेद हमारे जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है वो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद और यजुर्वेद। उनमें से जो आपका यजुर्वेद होता है वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए संबंध रखता है, जिसमें से यज्ञ वगैरह होती है, आहुतियाँ वगैरह होती हैं, ये सभी बातों के बारे में उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है फाइव नंबर, बोला गया है यहाँ पर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि सत्यमेव जयते जो है स्लोगन जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सिक्स नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए सिक्स नंबर में बोला गया, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत और नेपाल की जो बीच का एरिया है, जो कि बॉर्डर का एरिया है, उसमें कौन सी नदी ऐसी है जो सीमा रेखा बनाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। क्या हो जाएगा? काली नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है सेवन्थ नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। यहाँ पर आपको बताना है कि हिंद महासागर जो है उसकी सबसे गहरी खाई का क्या नाम है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जावा खाई। क्या हो जाएगा? जावा खाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है एट नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि पेंगोंग झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये झील बहुत ही ज़्यादा अभी फेमस रही थी, क्योंकि ये झील जो है ये अभी तक की सबसे बड़ी झील मानी जा रही है अपने इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना है पेंगोंग झील कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि जम्मू कश्मीर से अभी अलग हुआ था, उसके कारण यहाँ पर लद्दाख में ये पेंगोंग झील स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, देखिए नाइन्थ नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर, त्रिपिटक। क्या बोला गया? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। आपके यहाँ पर बताना है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसका बताना है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 10th नंबर, बोला गया है यहाँ पर कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो चारों तरफ से बोला जाए तो भारत से घिरा हुआ है, सिर्फ नीचे का कुछ पोर्शन जो है वो ही बांग्लादेश का जो है वो छूटा हुआ है, वरना चारों तरफ से उसको बोल सकते हैं कि भारत से घिरा हुआ है। इसलिए जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर, देखिए क्या बोला गया यहाँ पर। आपसे बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? द्वीप समूह बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो आपका सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 12th नंबर, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। बोला जा रहा है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपको बताने कि ऑस्कर पुरस्कार जो था वो सर्वप्रथम किस भारतीय ने जीता था। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। क्या हो जाएगा? भानु अथैया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आपके पास एक वर्ड आया है जो कि है ऑस्कर, ठीक है। तो ऑस्कर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ बातें। तो ऑस्कर पुरस्कार ये जो है ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि किस लिए दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। तो यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो फिल्म क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, या फिल्म में अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार ये दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें भानु अथैया जो है वो प्रथम भारतीय थी जिनको ये ऑस्कर पुरस्कार मिला था, और वो भी किस लिए मिला था। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फिल्म आई थी बहुत पहले गांधी, ठीक है, गांधी नाम से एक फिल्म आई थी। तो उस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम था वो इन्होंने किया था, भानु अथैया जी ने। तो इनको उसी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है 13th नंबर, बोला गया है यहां पर उबले चावल के पानी में क्या होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो उबला चावल होता है उसका जो पानी होता है उसमें क्या पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उबले चावल का जो पानी होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 14th नंबर, बोला गया है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया जो है वो राजस्थान का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 15th नंबर, बोला गया है यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। आप में से काफ़ी बच्चों को पता भी होगा कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 16th नंबर, यहाँ देखिए क्या बोला गया आपसे। बोला जा रहा है यहाँ पर भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अभी आपके सामने क्वेश्चन आया था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वहाँ हो गया था गंगा नदी। अब आपको बताना है कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे चौड़ी नदी भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है 17th नंबर, चीन कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। आपको बताना है कि चीन जो है वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 ऐसे देश हैं, 14 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ चीन जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है। और आपको ये क्वेश्चन घुमा करके दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ बनाता है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होता चीन। और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 14 देशों के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 18th नंबर,
बोला गया है यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। आपको यहाँ पर बताना है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है पानीपत के तृतीय युद्ध की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा पानीपत के जो तीन मुख्य युद्ध थे वो थे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो उनमें से आपको पूछा गया पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था मराठाओं के बीच में और हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। इन दो के बीच में हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूं। तो इस युद्ध का परिणाम निकला था कि अहमद शाह अब्दाली जो था वो इस युद्ध में विजय हुआ था और मराठा जो थे जिनकी तरफ से लड़ कौन रहे थे मराठा की ओर से, तो सदा शिवराव भाऊ लड़ रहे थे और उनमें से मराठा की पराजय हुई थी। तो यहां पर आपसे पूछा गया किसकी विजय हुई थी, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर, बोला गया है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। अब आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि नदी द्वीप जो यहाँ पर बोला गया है सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो वो नदी द्वीप है कौन सा? तो आपको मैं बता दूँ कि वो नदी द्वीप है आपका माजुली नदी द्वीप। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि माजुली नदी द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और वो किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर, बोला गया है यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जब गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी, पहले था गवर्नर उसके बाद गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, तो वहाँ पर आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ही आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ की ये सीरीज आपकी यहीं पर समाप्त होती है। 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको अपना कमेंट करके बताना है कि आपने कितने ज़्यादा स्कोर किए हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके 15+ सही हुए होंगे, और अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आप और मेहनत करिएगा और अच्छे से दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों को भी इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली PDF आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर हुआ है। कल मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।